हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट एजुकेशन एनी टाइम। दिस वीडियो इज ऑन मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट वन। वी विल स्टडी अबाउट मैटर, इट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो अगर हम हमारे सराउंडिंग्स में, यानी हम आसपास चारों तरफ देखें, सो वी विल फाइंड सम थिंग्स like it may be pen, pencil, it may be food, it may be vegetables, it may be glass, it may be blackboard, so it may be nail, it may be clothes. So whatever we found in our surroundings which occupy the space, आपने देखा होगा, अगर हम pencil की बात करें, pen की बात करें, जो भी आपके चारों तरफ की वस्तु है, किसी का भी आप एग्जांपल ले लीजिए, सो ऑल दैट आर मैटर। सो एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग्स आर नोन एज मैटर। सो इट मे बी पेंसिल, ओके, सो फॉर एग्जांपल पेंसिल, रबर, इट मे बी नेल्स, यू नो द नेल्स, इट मे बी वेजिटेबल्स, it may be table in your class, it may be chair, it may be blackboard, it may be air jisme hum saans lete hain, it may be any type of food. So all things in our surroundings are matter. Aur ye jo matter hai, dekhiyega matter word kis word se aaya hai, material se aaya hai. So it is from material. तो देखिएगा, पेंसिल हो, रबर हो, दुनिया में कोई भी चीज बनी हुई है तो वो मेटेरियल से मिलकर बनी होती है। सो उस मेटेरियल के नाम की वजह से साइंटिस्ट ने इसका नाम मैटर रख दिया। सो चारों तरफ हम जो भी देख पा रहे हैं, जो भी वस्तुएं देख पा रहे हैं, जिसमें की मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, सो उसको हम मैटर कहते हैं। सो एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग्स आर नोन एज मैटर। सो इट मे बी फूड दैट वी ईट, इट मे बी व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, बस, एरोप्लेन, इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक गजेट एंड डे टू डे दैट मटेरियल वी आर यूजिंग इन अवर लाइफ। सो ऑल दैट थिंग्स आर नोन एज मैटर। सो हमारे साइंटिस्ट ने, इंडियन साइंटिस्ट ने ये बताया काफी टाइम पहले कि ये जो मैटर है ये पांच तत्वों से मिलकर बना होता है, पंच तत्व है उनका, साइंटिस्ट ने, फिलोसफर्स ने, इंडियन फिलोसफर्स ने इनका नाम दिया। और ये जो पंच तत्व थे, ये थे, देखिएगा, ये इंडियन साइंटिस्ट ने इनका नाम दे दिया। इन्होंने सोचा कि दुनिया में कोई भी चीज एक्टिव या पैसिव है, पांच चीजों से मिलकर बनी है। सो ये पांच तत्व को पंच तत्व उन्होंने कहा। सो ये एयर होता है, AIR, एयर, ओके, हवा और सॉइल, पांच तत्व जो उन्होंने बताए, हवा यानी एयर, सॉइल मिट्टी जिसमें हम जीते हैं, फायर अग्नि और वाटर। सो एयर, सॉइल, फायर, वाटर एंड स्काई, कोई भी निर्जीव या सजीव यानी एक्टिव और पैसिव थिंग्स है दुनिया में, वो इन पंच तत्व से मिलके बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम चेयर ले लेते हैं, आप अपने स्कूल में चेयर पर बैठते हैं, बेंच पर बैठते हैं, या ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, चेयर आप देखें अगर, क्योंकि टेबल का एग्जाम्पल हमने दे सकते हैं कि टेबल क्या है, ये जो टेबल है किसकी बनी हुई है, इट इज मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से बनी हुई है। सो इसको हम देख सकते हैं कि लकड़ी कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम ट्रीज, सो ट्रीज से आती है, यू नो दैट। और ट्री जो है, जो पेड़ है, वो सॉइल में ग्रो करते हैं, जब आप मिट्टी में बीज डालते हैं तो उससे पेड़ पौधे पैदा होते हैं। यानी ये टेबल किससे बनी है, सपोज किसी
शीशम की लकड़ी से बनी हुई है या किसी उससे बनी हुई है, कहाँ से पैदा होगी? ये मिट्टी से पैदा होगी, इसको पेड़ से, पेड़ मिट्टी से होगा, मिट्टी में सीड डाला जाएगा और हवा मिलेगी इसको और स्काई यानी खुले आसमान के नीचे ये ग्रो अप करेगा। इसको फायर हीट चाहिए, सन इसको हीट देगा, एनर्जी देगा, तब जाके ये पेड़ फलेगा फूलेगा और आपको लकड़ी मिलेगी और इस लकड़ी से आप टेबल बनाएंगे। यानी टेबल क्या है? हमारी पैसिव थिंग्स है, पैसिव थिंग्स। सो कोई भी हम जन्म लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो जब जन्म लेते हैं तो आपको पता है कि हम जीते हैं, खुली हवा में जीते हैं, सांस लेते हैं, खुले आसमान के नीचे हम जीते हैं, वाटर हमें पानी पीने को चाहिए जीने के लिए, रहने के लिए जगह चाहिए, मिट्टी चाहिए, क्योंकि मिट्टी है तो वेजिटेबल्स पैदा होंगी, वो हम खाएंगे, हम ग्रो करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। सांस लेने के लिए एयर चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिलोसफर ने बताया कि ये जो मैटर है पांच तत्वों से मिलके बना है, एयर, सॉइल, फायर, वाटर एंड स्काई। सो नाउ यू नो मैटर, व्हाट इज मैटर? सो मैटर जो भी हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, वो मैटर है, जो कि मैटेरियल, डिफरेंट मैटेरियल से मिलके बना होता है। सो वी कैन से एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स आर नोन एज मैटर। और मैटर जो होगा, याद रखिएगा, मैटर जो होगा इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको जगह चाहिए। जैसे आप टेबल है, टेबल को रखने के लिए जगह चाहिए, तो इसका डेफिनेट एक वॉल्यूम होता है, ओके, इसका आकार होता है, सो इट हैज सम साइज, इट हैज वॉल्यूम एंड इट हैज मास। सो हम कह सकते हैं मैटर, यानी पहला दो वर्ड जो है वो एम ए मीन्स मास। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैव सम मास, ऐसी कोई भी वस्तु, फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसमें मास होता है, उसको हम कहते हैं मैटर। सो वी कैन से ऑल दीज थिंग्स ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास एंड हैव सम वॉल्यूम। सो ऑल दोज विच हैव सम मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम आर नोन एज मैटर। ओके, सो एवरी, और इंडियन फिलोसफर ने बताया कि कोई भी वस्तु है वो, चाहे वो निर्जीव है यानी एक्टिव है और पैसिव है, वो पंच तत्व से मिलके बनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है। साइंटिस्ट ने मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया, उसकी फिजिकल नेचर के हिसाब से और दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। सो इस क्लास में यानी 9th क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो फिजिकल नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के लिए सबसे पहले, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। सो पहली प्रॉपर्टी इसकी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो मैटर है वो बहुत बहुत सूक्ष्म कणों से मिलके बना हुआ है, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलके बना हुआ है। तो पहले साइंटिस्ट ने सोचा था, दो तरह की फिलॉसफी थी, कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन दूसरी तरह की फिलॉसफी ये थी कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज डिस्क्रीट इन नेचर। कंटिन्यूअस इन नेचर का मतलब क्या है? जैसे एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक होता है और ये लगता है कि ये दिस इज कंटिन्यूअस, ये हम वुडन ब्लॉक या किसी भी एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो ये देखने में लगेगा दिस इज कंटिन्यूअस। तो मैटर को भी ऐसा ही समझा गया, जैसे कोई एप्पल हमने ले लिया, ओके, सो इस एप्पल को ये मान के चल रहे थे कि इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी एनी मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, लेकिन नहीं, जो फिजिकल नेचर है मैटर की
वो फिजिकल नेचर में मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो और ये पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा, इसकी जो साइज होता है आप हम इमेजन नहीं कर सकते कि बहुत ही छोटे छोटे इनके साइज होते हैं, हम इनको देख नहीं सकते। यानी मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सो अगर हम किसी भी जैसे एप्पल या कुछ भी आप ले लीजिए, अगर हम उसको तोड़ते चले जाएं तो ये जैसे सैंड होती है, ओके, सैंड के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, इसी तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स इन डिस्क्रीट नेचर होती है मैटर की। सो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो अपने एक्सपेरिमेंट को हम देख पा रहे हैं कि पार्टिकल्स, देखिए यदि हमने ये सुगर लिया हुआ है और अगर इसको माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें माइक्रोस्कोप से, तो हम पाएंगे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं और ये अलग अलग, यानी इनके बीच में स्पेसेस हैं। तो हमने इस प्रैक्टिकल में क्या करना है कि वी हैव टू एड सम सॉल्ट और सुगर, वाटर में हमने कुछ सुगर को हमने ऐड करना है, जैसा कि हम फिगर इसमें देख पा रहे हैं कि हमने इसमें थोड़ा सॉल्ट और सुगर ऐड किया। तो हम क्या देखेंगे कि वाटर थोड़ी देर के बाद अगर इसको हम चलाएं, या आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट द मटेरियल द सुगर इज हैज बीन डिजॉल्व, इट हैज बीन डिजॉल्व फुली इन द वाटर। सो व्हाट विल सी हियर, अगर हम लेवल की बात करें, लेवल देखेगा, there was level up to this, water level was this, after adding this one spoon of sugar we will find, we stir it, we will find there is no change in the level of the water, there is no change. So अब ये हमने sugar suppose 5 gram 10 gram मिलाया, ये water level क्यों नहीं बढ़ा, कहाँ चला गया? तो इसका answer ये है कि matter is made up ऑफ पार्टिकल और इन पार्टिकल के बीच में जो जगह रहती है, अगर हम इसको देखें बहुत बहुत ज़्यादा सूक्ष्म ये पार्टिकल्स होते हैं और इनके बीच में जो जगह होती है, यानी सुगर के जो पार्टिकल्स थे ये भी डिस्क्रीट हैं और मैटर के पार्टिकल्स भी डिस्क्रीट हैं, और ये सुगर के पार्टिकल डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, ये पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं और ये सुगर के पार्टिकल्स भी अलग अलग हैं। जैसे ही हमने इसको मिलाया ये डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होने का मतलब ये इनके जो बीच में स्पेसेस हैं, दो पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं ये इसमें जाके मिक्स हो गया, तो इसमें जाके ये मिस हो गया और ये डिसअपीयर हो गया। अब हमें ये जो सॉल्यूशन होगा बिल्कुल इसका लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ये हम पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हमने प्रॉपर्टी वन मैटर की देखी, वो क्या थी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने देखा कि कोई भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small in size। अब ये क्वेश्चन होता है कि कितना स्मॉल ये होते हैं, कितना स्मॉल हो सकते हैं, सो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसके लिए एक हम एक्टिविटी कर सकते हैं। सो ये एक्टिविटी में हमने देखे कि क्या करेंगे कि ये फिगर में हम देख पा रहे हैं कि टेक 100 ml वाटर इन ए बीकर, बीकर में हमने 100 ml पानी ले लिया और उसमें हम मिक्स करेंगे, वी विल मिक्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यू नो पोटेशियम परमैंगनेट, सो वी विल टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वी विल मिक्स इट इन 100 ml ऑफ वाटर। सो हम देखेंगे कि जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट हमने मिक्स किया, इसमें मिक्स किया, ये थ्रू आउट स्प्रेड हो जाएगा और ये वाटर का कलर होगा, सो ये कलर चेंज हो जाएगा और ये पोटेशियम परमैंगनेट का
जो कलर होगा इसमें, ये पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा, ये हम फिगर में देख रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें से 10 ml हमने वाटर, यानी जो सॉल्यूशन है वाटर और मिक्स सॉल्यूशन जो है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसका एक हमने टेस्ट ट्यूब में से 10 ml इसको लेके, फिर फर्दर हमने 100 ml वाटर जो प्योर वाटर था उसमें हमने फिर मिक्स किया, और इसी तरीके से 10 ml फर्दर हमने इस सॉल्यूशन में से लिया और फिर दूसरे प्योर वाटर में 100 ml में हमने मिक्स कर दिया। इसी तरह से हमने 4-5 स्टेप किए। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि एवरी टाइम, यानी सॉल्यूशन तो डाइल्यूट होता चला जाएगा, डाइल्यूट का मतलब है उसका रंग, उसका कलर फेड होता चला जाएगा, और लेकिन हम क्या देखेंगे 6-7 मिक्सिंग के बाद, 5-6 स्टेप्स के बाद ये सॉल्यूशन फेड हो गया, लाइट हो गया, लेकिन जो कलर है इट इज स्टिल विजिबल। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो मिक्स किया ये हम बार बार 100 ml वाटर प्योर वाटर में इसको मिक्स कर रहे हैं। तो अभी अगर जैसे ही हमने 2-3 क्रिस्टल यहाँ पर मिक्स किए थे, फर्स्ट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्योर आपका वाटर था इसमें हमने मिक्स किया 100 ml में फर्दर हमने मिक्स किया, और इसको मिक्स करने के बाद ये कलरफुल हो गया और ये कलर दूसरे मिक्सअप में ये फेड हो जाएगा, देन फर्दर फेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फेड होता जा रहा है, यानी ये जो क्रिस्टल से 2-3 क्रिस्टल्स थे ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए यूनिफॉर्मली इस वाटर में, और ये क्रिस्टल यानी स्मॉल पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड मिक्स्ड थ्रू आउट, देन फर्दर इट इज मिक्स्ड थ्रू आउट एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली यूनिफॉर्मली। सो इसके बाद फिर से हमने मिक्स किया, फिर कलर फेड हो गया। इसका मतलब ये बार बार ये अपने पार्टिकल्स को ब्रेकअप करता जा रहा है, पार्टिकल्स स्मॉल होते चले जा रहे हैं, और एक कुछ फर्दर स्टेजेस के बाद हम देखेंगे अभी भी पार्टिकल्स यानी डिवाइड हो गए। सो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। सो हम देखिएगा कह सकते हैं कि देयर विल बी, ये जो हमने मिक्स किया है यानी 100 ml देखिएगा फर्स्ट फिगर में, इसके बाद फर्दर 100 ml, फर्दर 100 ml, यानी ये तो इसका अगर हम वाटर इक्विवेलेंट देखें यानी कितना, एक तो है कि हमने एक बहुत बड़ा बर्तन लिया जो कि 1000 लीटर का है, उसमें ये क्रिस्टल्स मिला दिए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को हमने एक साथ ना करते हुए हमने ये इक्विवेलेंट शो किया हुआ है। यानी देखिएगा 100 ml हमने लिया, फिर इसको 100 ml फर्दर 10 ml लेके 100 ml में मिक्स किया, फिर फर्दर हमने 100 ml में मिक्स किया, तो हम क्या कर रहे हैं एक तरह से, यानी 100 ml इसको हमने 100 में डिवाइड किया, या 100 ml देन फर्दर 100 ml यानी 10 ml को मिक्स किया, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है यहाँ पर 1 लीटर के, दिस मल्टीप्लाइड बाई 10 दिस 1 लीटर, 1 लीटर देन मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 100 लीटर, 100 इंटू 10 इज 1000 लीटर। सो फर्दर ये जो मिक्सिंग हुआ है हमने एक तरह से इस तरह से किया है, 2-3 क्रिस्टल्स को हमने मिक्स कर दिया 1000 लीटर में। तो ये सारे के सारे जो क्रिस्टल्स थे ये स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। और इवन हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, हमारे घरों में डिटॉल होता है, अगर हम नहाते समय एक बकेट लें, बकेट में हम 2-3 बूंद अगर 2-3 ड्रॉप्स अगर हम इसमें वाटर में मिक्स कर दें, तो हम क्या देखेंगे कि जो स्मेल थी पूरे वाटर में स्प्रेड हो गई है। अब भी हम इस वाटर को अगर स्मेल सूंघे तो हम पाएंगे कि वाटर में इसकी स्मेल थ्रू आउट इंक्लूड हो गई है, थ्रू आउट ये स्प्रेड हो गई है। सो इसका जो साइज है हम कह सकते हैं कि इसमें यानी 1-3, 2-3 ड्रॉप्स में या 2-3 जो हमने क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, इट हैज मिलियंस मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। सो दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सो एंड दीज पार्टिकल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स वी नो दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सम वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर है, सपोज दिस इज मैटर, सो अगर इसका हम ब्रेकअप करें तो
it will divide it into very very small particles. So matter is composed of very very small particles, और इन small particles को हम क्या कहते हैं, it is known as atom. These small particles are known as atoms. तो अगर हम इस matter को देखें, so this is made by very small particles and these small particles are known as atoms. और अगर इन atoms को sum up करें, so इनको सम अप करने से, यानी उन सम अप को हम कहेंगे दो एटम को मिला के या कुछ एटम्स को मिला के, इट बिकम्स मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूल्स इज सम अप ऑफ सम एटम्स. और देखेगा, और ये मॉलिक्यूल से मिलके, यानी सो मैनी मॉलिक्यूल्स, कई तरह के मॉलिक्यूल्स मिल जाएं, सो इट बिकम्स मैटर. सो मैटर हम कह सकते हैं, मैटर किससे मिलके बना है, अगर उसको हम वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को देखें तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फर्दर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम. सो मैटर जो है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, अगर हम मैटर को ब्रेकअप करें, सो इट इज एटम्स एंड सम अप ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स. सो नाउ दीज स्मॉल पार्टिकल्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक. सो इन कैरेक्टरिस्टिक, ये जो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज इट हैव स्पेस बिटवीन दैम. सो वी कैन से द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इसको हम वन बाई वन एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करेंगे, शो करेंगे एक्सपेरिमेंट से कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक द वी विल सी इन अवर एक्सपेरिमेंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इट इज कंटिन्यूसली मूविंग. थर्ड प्रॉपर्टी अब देखेंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. दे हैव फोर्सेस इन बिटवीन, मीन्स द एटम्स, द पार्टिकल्स हैव बाउंडेड ड्यू टू द फोर्सेस, देर इज फोर्सेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स. So the particles of matter attract each other. So now we will take first characteristic. So इस characteristic को prove करने के लिए we have to do some activity. So एक्टिविटी इस तरह से करेंगे, देखिएगा कि हमने एक गिलास में वाटर ले लेना है. सो एड सम वाटर इन गिलास, और इसमें हमने क्या करना है कि हमने इसमें जो हमारे घरों में होता है, टेक सम क्रिस्टल ऑफ सुगर और सॉल्ट. सो इस क्रिस्टल्स को, वन स्पून क्रिस्टल्स को हमने इस वाटर में मिक्स करना है. इसको हमने मिक्स किया, इसको हमने इसमें डाल दिया वाटर में, तो हम तुरंत क्या देखेंगे, देर इज सम, देर इज वेरी माइन्यूट, देर इज सम राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर. लेकिन व्हाट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम देखेंगे द वाटर लेवल इज सेम एज दैट बिफोर, जो स्टार्टिंग में था. सपोज यहां पर मैं फिगर में दिखा रहा हूं, दिस वॉज द लेवल, जैसे ही हमने इसको मिक्स किया, इंस्टेंटली देर विल बी सम राइज, बट आफ्टर सम टाइम there is no rise, there is the level is constant. So why this level is constant? As we know that the matter is made very by very small small particles. और यहाँ पर क्या है, ये जो small small particles हैं, ये these are the small small particles. In particles के बीच में there is a space. और ये जो space है, ये जो हमने इसको mix किया
शुगर को या सॉल्ट को मिक्स किया, इसके जो पार्टिकल्स है ये इसके बीच में एडजस्ट हो गए। सो इनके बीच में जो स्पेस था, स्पेस इनको मिला और ये पार्टिकल्स, ये भी वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये इनके बीच में जाके एडजस्ट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि ये स्पेस है इसके कारण ये मिक्स हो गया, और स्पेस इनके बीच में, देर इज सफिशियंट स्पेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर एटम्स, वाटर पार्टिकल्स, और ये स्पेस के बीच में जाके ये एडजस्ट हो जाएंगे। इस वजह से जो लेवल है वो बिल्कुल सेम लेवल रहेगा, लेवल चेंज नहीं होगा। और इसमें देखिएगा, ये जो इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द वाटर पार्टिकल्स एंड सुगर और सॉल्ट पार्टिकल्स, दिस इंटरमिक्सिंग इज नोन एज दिस फिनोमेना बाय इट्स ओन, अपनी प्रॉपर्टी के कारण ये अपने आप मिक्स हो जाता है, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। सो दिस फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या है? ये जो फिनोमेना है इंटरमिक्सिंग का, अपनी प्रॉपर्टी के का, अपने कारण अपने आप जो दो डिफरेंट मटेरियल्स है वो खुद से मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं आपस में, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इसके लिए देखिएगा, हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। सो एक्टिविटी वन में हमने क्या करना है, टेक ए अगरबत्ती, यू नो, अनलिट इंसेंस स्टिक। सो अभी हमने एक अगरबत्ती कंसीडर कर लेना है, एक अगरबत्ती ले लेनी है, सबके घरों में एक अगरबत्ती होती है, पूजा करते हैं हम लोग। सो दिस इज द अगरबत्ती, अभी इसको हमने जलाया नहीं है। सो बिना जलाए अगर हम देखें कि थोड़ी डिस्टेंस पर हम हैं, सपोज वी आर हियर, ओके। सो और इसको जैसे कि आपने अभी इसको जलाया नहीं है, तो वी विल नॉट फील, वी विल नॉट स्मेल इट। सो जैसे ही हम इसको जलाएंगे, ओके, सो जैसे ही इसको हम जलाएंगे, जलने से क्या होगा, यू विल स्मेल इट। सो ये ऐसा क्यों होता है, जलने से पहले ये सॉलिड था एक्चुअली, अगर हम देखें तो ये जैसे ही हमने इसको जलाया, इससे यहाँ पर एक गैस बनेगी, और ये गैस जो है ये पार्टिकल की फॉर्म में इट विल रीच हियर एट द नोज ऑफ ह्यूमन बी। सो जलने के कारण जो गैस बनेगी, और गैस बनने से जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल विल रीच, सो दीज पार्टिकल्स विल रीच हियर एट द नोज, यानी इसकी जो नोज है उस पर जाके रीच करेंगे ये पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, देर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि यहां पर ये पार्टिकल्स है, दीज आर पार्टिकल्स, सो पार्टिकल्स मूव करेंगे तब जाके हमें ये, हम स्मेल कर पाएंगे, इसको हम सूंघ पाएंगे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए हमने क्या करना है, हमने दो गिलास या बीकर्स ले लेने। सो ये देखिएगा, हमने दो बीकर्स ले लिए।
अब हमने इस बीकर में देखिएगा किसी भी कलर की ब्लू और रेड इंक, सपोज हमने ब्लू इंक को हमने इसमें मिक्स किया और बीकर में पानी फिल किया हुआ है, दोनों बीकर में देयर इज वाटर, वाटर इज फिल्ड इन बोथ द बीकर्स। सो जैसे ही हम इस इंक को मिलाएंगे, इट मे बी द इंक मे बी रेड कलर और ब्लू कलर, वाट एवर इट इज, सो इट विल स्प्रेड, इट विल डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली। सो हमने यहाँ पर दो तीन ड्रॉप या तीन चार ड्रॉप हमने इंक की मिक्स की, इंक की डाली, जैसे ही डालेंगे ये मिक्स अप हो जाएगा, इवनली मिक्स अप हो जाएगा। और दूसरे यहाँ वाटर में हमने यहाँ पर क्या देखिएगा, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया हनी, तो हनी हम इसको डालेंगे और हमने इनको स्टे नहीं, इन्हें हिलाना नहीं है, चलाना नहीं है हमने किसी उससे, रॉड से या किसी से, हमने इसमें हनी मिलाया, इसमें हमने इंक मिलाई, इंक मिक्स हो जाएगा और इसमें हनी, हनी देखेंगे कि हनी यहाँ इस तली पर जाके बैठ जाएगा, लेकिन इट विल मिक्स आफ्टर सम टाइम, इट विल मिक्स, टाइम डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो इंक है वो तेजी से जल्दी मिक्स हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, ये टाइम कम लेगी, ये टाइम मिक्स होने में ज्यादा लेगी, लेकिन मिक्स हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, वी विल सी ये थ्रू आउट, यानी हनी भी मिक्स हो गया और इंक तो जल्दी से मिक्स हो जाएगा, सो इट विल टेक सम टाइम, सो देर इज मिक्सिंग, देर इज मिक्सिंग। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में वी हैव टू टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो एक बीकर में हमने कोल्ड वाटर ले लेना है, टेक कोल्ड वाटर, दूसरे बीकर में हमने टेक हॉट वाटर, दिस इज कोल्ड वाटर एंड इन दिस हॉट वाटर। अब हमने जो क्रिस्टल्स है हमारे, देखिएगा लेवल, हमने वाटर लेवल लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, इसमें कुछ क्रिस्टल्स हमने मिक्सअप किया, कुछ क्रिस्टल्स हमने डाला इसमें कॉपर सल्फेट का, और इसमें भी कुछ क्रिस्टल, देखिए यहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर है और यहाँ पर क्या है, हॉट वाटर है। तो हम देखेंगे ये क्रिस्टल को हमने बिना चलाए हमने इसको सेटल डाउन हो जाना है, या तो यहाँ पर ये क्रिस्टल्स इस तली पर जाके बैठ जाएंगे और इसके सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, ये क्रिस्टल्स यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वाटर है, यहाँ पर हॉट वाटर है, जो मिक्सिंग होगी इसमें मिक्सिंग होने में टाइम कम लगेगा और दूसरा इसमें मिक्सिंग होने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ से पार्टिकल यानी मिक्सिंग तो होगी, यहाँ पर हम मूवमेंट देख पाएंगे, यहाँ पर जल्दी से मिक्सिंग होगी, मूवमेंट होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट दोनों में होगा, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा तेजी से होगा, मिक्सिंग तेजी से होगी, टाइम कम लगेगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। सो वी कैन से इन तीनों एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, सो यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहे थे, यहाँ पर भी पार्टिकल, क्योंकि मूवमेंट के कारण देर इज मूवमेंट, ये हम देखेंगे कि देर इज मूवमेंट इन द पार्टिकल्स ऑल्सो हियर, ऑल्सो हियर, इन दिस, इन ऑल द थ्री केसेस वी विल फाइंड देर इज मूवमेंट इन द पार्टिकल्स। सो वी से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड ये पार्टिकल्स क्यों मूव कर पा रहे हैं, इनसे क्या, और ये जो मूवमेंट है किसके कारण, क्योंकि जो पार्टिकल्स है देयर इज काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, इस मूवमेंट के कारण वी कैन से पार्टिकल्स में जो होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द काइनेटिक, यानी मूवमेंट ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द मूवमेंट द एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। सो ऑल द पार्टिकल्स will have kinetic energy, और इस kinetic energy यानी particles की kinetic energy को increase कराया जा सकता है, increase कराने के लिए we have to give the temperature, so as the temperature rises particles moves faster, क्योंकि जहाँ जैसे ही हमने this is hot water यानी cold water और hot water को अगर compare करें, temperature hot water का ज्यादा होगा और यहाँ पर जो मूवमेंट होगा हम देखेंगे कि मूवमेंट इज फास्टर एज कम्पेयर टू दिस कोल्ड वाटर, मूवमेंट इज इन कोल्ड वाटर, सो दिस मूवमेंट कैन बी इंक्रीज्ड
विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है उनको बढ़ाया जा सकता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर देखें इट इज हाफ एम बी स्क्वायर। सो वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट अगर आपने बढ़ाया पार्टिकल्स का, इट विल इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो द कंक्लूजन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो अट्रैक्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, जो कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है और इन दो जो पार्टिकल्स है आपस में इनके बीच में फोर्स होता है, देयर इज अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण ये एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो एक्टिविटी क्या है कि एक आपने ह्यूमन चेन बनानी है, ह्यूमन चेन चेन इस तरीके से बनानी है, थ्री टाइप्स की ह्यूमन चेन आपने बनानी है। सो पहली ह्यूमन चेन में देखेगा जो नंबर ऑफ पर्सन हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, ये एक ग्रुप है कुछ स्टूडेंट्स का और जो कि बहुत बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक है, दूसरा एक दूसरे को जकड़ के पकड़े हुए हैं। सो इस तरह से आपने एक ग्रुप बना लिया और ये आपस में ये जकड़े हुए हैं और इन्होंने इस तरीके से जैसे बिहू डांस होता है उस तरीके से अपने हाथों को पीछे से बैक साइड से जकड़े हुए हैं। तो ये जकड़े हुए हैं, दूसरी ग्रुप ने क्या किया हुआ है, दूसरे ग्रुप ने थोड़ा डिस्टेंस है, ये सपोज दूसरा ग्रुप है और दूसरा ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ हाथों के जरिए आपस में ये ग्रुप बनाए हुए हैं, आपस में ये बंधे हुए हैं। सो इस तरह से देर इज अनदर ग्रुप जो कि दूरी पर हैं, डिस्टेंस पर हैं और इनका ग्रुप इस तरीके से आपस में बाउंडेड है कि इन्होंने सिर्फ अपनी फिंगर्स को टच किए हुए हैं, ये सब अपनी फिंगर्स को टच किए हुए हैं, तो ये तीसरा ग्रुप है। और अगर हम बात करें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सपोज एक वन स्टूडेंट्स इज देयर जो कि क्या करता है, इस ग्रुप से निकलने की, इस ग्रुप को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ये इस ग्रुप से के बीच में से जाने की कोशिश करेगा, तो आप क्या फील कर पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि ये अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, बहुत तेजी से इसको जाना पड़ेगा या बहुत ज्यादा फोर्स के साथ इसको इसकी तरफ आना पड़ेगा, तब जाके ये इससे निकल पाएगा, अदरवाइज ये निकल ही नहीं पाएगा, इस ग्रुप के साथ ये स्टूडेंट्स इस ग्रुप को तोड़ नहीं पाएगा। और इस केस में अगर इन्होंने हैंड मिलाया हुआ है, यानी हाथ से हाथ मिलाए हुए, तो हो सकता है किस फोर्स से ये बच्चा जो है इस ग्रुप को अप्रोच करता है और उस पर डिपेंड करेगा, इसको तोड़ भी सकता है और नहीं भी तोड़ सकता, वो डिपेंड करेगा ये किस फोर्स से जाता है। तीसरे ग्रुप में देखेगा ये अप्रोच करता है तीसरे ग्रुप को, इन्होंने फिंगर टिप्स को यानी फिंगर्स को टच किए हुए हैं, तो ये आसान रहेगा इस बच्चे के लिए इस ग्रुप को तोड़ना, इस ग्रुप के थ्रू होके जाना। सो अगर इसको हम कंसीडर करें पार्टिकल्स के हिसाब से, और ये पार्टिकल्स हैं जो आपस में टाइटली बाउंडेड हैं, इनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर देयर इन बिटवीन द पार्टिकल्स, और यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, स्पेसिस थोड़ा ज्यादा है, तो इसको अप्रोच कर सकता है, इसको ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि फोर्सेस अगर पार्टिकल्स के हिसाब से देखें तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कम बॉन्डिंग है, मींस फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्स इज लेसर एज कंपेयर टू दीज टू सिचुएशंस। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर,
तो ये एक्टिविटी इस प्रॉपर्टी को शो करेगी, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं, यानी किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, उस वजह से वो बाउंडेड रहते हैं फोर्स के हिसाब से। सेकंड देखिएगा, ये एक्टिविटी हमने वन की, एक्टिविटी वन। एक्टिविटी टू में हमने क्या करना है, एक्टिविटी टू में देखिएगा, इन एक्टिविटी टू टेक एन आयरन नेल, ये आयरन नेल देखिएगा, दिस इज आयरन नेल, ये अपने सभी के घरों में होता है। आयरन नेल ले लीजिए, कुछ चौक के पीस ले लीजिए, चौक सभी जानते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो ये हमने चौक ले लिया, दिस इज चौक, एंड टेक ए रबर बैंड, रबर सभी के घरों में होती है, सो दिस इज रबर बैंड, दिस इज नेल, दिस चौक एंड दिस इज रबर बैंड। अब हमने इसको, क्योंकि ये भी मैटर है, तीनों मैटर हैं, और ये मैटर है, पार्टिकल्स आर देयर, पार्टिकल्स की वजह से ये सिंगल यूनिट है, और यहाँ भी पार्टिकल्स हैं, उसकी वजह से सिंगल यूनिट है पूरा, और ये रबर बैंड सिंगल यूनिट है, सिंगल। सो अगर क्या हम इसको ब्रेक कर पाएंगे, नेल को हैमर से अगर इसको तोड़ें, क्या हम तोड़ पाएंगे? और अगर हम इस पर हैमर अगर हम लगाएं, इसको चोट मारें हैमर से, तो ये चौक की स्थिति क्या होगी, ये टूट जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन नेल ब्रेकअप नहीं होगा। और रबर बैंड की बात करें, अगर इसको हमने ब्रेक करने के लिए हमें इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रेच अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेच, और उस फोर्स को अगर हमने रिमूव कर दिया, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा फोर्स देने से ये रबर बैंड जो है टूट जाएगा। सो इसका भी ब्रेकअप नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा, बहुत इम्पॉसिबल होगा ब्रेकअप करना जनरली, और इसको जनरली हम ब्रेकअप कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में, डिफरेंट पार्ट्स में ये टूट जाएगा, और ये टूट सकता है अगर इसको ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएं, तो ये हम देख पाएंगे। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक वाटर टैप, यू नो द वाटर टैप, घरों में सभी के होता है, सो ये पानी फ्लो हो रहा है, इसको वाटर टैप को आपने खोल दिया, क्या इस स्ट्रीम को आप काट सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि रीजन इज, जो करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर इसके बीच में, यानी ये वाटर जो है, पार्टिकल्स, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बाउंडेड हैं, क्योंकि और किस फोर्स से बाउंडेड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देयर इज अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स। और यहाँ पर नेल पर देखिए, ये जो फोर्स है बहुत ज्यादा है, इसके कारण हम इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। चौक का अगर ले लें तो चौक देखिएगा, क्योंकि अभी सिंगल यूनिट थी तो फोर्स तो था, और पार्टिकल, ये जो चौक है पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और पार्टिकल के बीच में फोर्स है, लेकिन फोर्स कम है, इस वजह से जैसे ही हमने इसको हथौड़े से थोड़ी सी भी अगर हमने चोट दी, वो तुरंत ब्रेकअप इसका डिफरेंट पार्ट्स में हो जाएगा। रबर बैंड की बात करें, ये थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे नहीं होगा, स्ट्रेच होगा, लेकिन उसके बाद ये भी रबर बैंड टूट जाएगा। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, चाहे हम पहला केस ले लें, पहली एक्टिविटी ले लें, दूसरी एक्टिविटी ले लें, तीसरी एक्टिविटी ले लें, कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनके बीच में देयर इज फोर्स, और ये इस फोर्स के कारण ही आपस में बंधे हुए हैं। सो तीनों एक्टिविटी से हमें पता पड़ता है कि द फोर्स which is attractive force, which is the force is responsible to keep the particles together. So, इस force के कारण ही ये particle आपस में बंधे होते हैं, ये एक साथ इस force के कारण bounded होते हैं, और strength, इसकी जो strength है force की, force of attraction, और ये एक depend करती है, vary करती है डिफरेंट टू डिफरेंट मटेरियल्स। अभी हमने नेल देखा, ये इसमें ज्यादा फोर्स थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, चौक में कम था,
और रबर बैंड में उससे डिफरेंट था। तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल टू मटेरियल, डिफरेंट करेगा, डिफरेंट यानी डिफरेंट मैटर्स के लिए डिफरेंट फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, या हम कह सकते हैं जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में, वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट तरह का होगा, डिफरेंट उसकी स्ट्रेंथ होगी। सो आफ्टर ऑल द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वी कंक्लूड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थैंक यू, कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम। इफ यू फील इट इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.